हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं, जी हाँ, या फिर पेटीएम को चालू कैसे करें, हाउ टू क्रिएट पेटीएम अकाउंट, जी हाँ, इस पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चाहिए होगा आपको पेटीएम अकाउंट बनाने में, जी हाँ, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए आपके पास पेटीएम अकाउंट के लिए, जी हाँ। उसके पहले कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊं, आप ये छोटा सा काम कर लें, फिर आगे बढ़ें, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात कि फ्रेंड्स, आपको पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए एक फोन नंबर चाहिए, एक अपना मोबाइल नंबर चाहिए, जी हाँ। आपके पास अगर अपना मोबाइल नंबर है तो फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर से जाकर एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पेटीएम। उसको डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे, वहां पर आपको अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपका फ़ोन नंबर जो है वही उसका पेटीएम नंबर बन जाएगा। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं पेटीएम के ज़रिए, तो आप वही नंबर देंगे जिस पर आपका पेटीएम अकाउंट है, तो आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बड़ी बात है कि आपके पास एक वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जिससे आप पेटीएम का KYC करा पाओ, फुल KYC, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिनी KYC तो आधार कार्ड से हो जाती थी, आपको फुल KYC के लिए वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ताकि आपकी फुल KYC हो। जब आपकी फुल KYC हो जाएगी तो तब आप जो है कहीं से पैसा ले पाओगे या फिर सेंड कर पाओगे पेटीएम के माध्यम से, या फिर चार्ज वगैरह भी कर पाओगे और भी आप जो है उसमें मनी ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद